पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना है वो अपनी प्रॉपर है नहीं, तो इसलिए ये टालना पड़ता है। समाचार क्या है हिंदी न्यूज में आप आपका स्वागत है। पल्लवी होटल सेक्टर 5 हर हिंदी पत्रकारिता दिवस पर लगभग पिछले 1 वर्षों से समाचार क्या है हिंदी दैनिक समाचार पत्र समूह अपना कार्यक्रम इसी होटल में करते हुए पिछली बार कुछ कारणों से हमारा कार्यक्रम 30 तारीख को ना होकर 1 तारीख को हम कर पाए थे। आज भी एक इसी तरह की रुकावट या 2 दिन का डिले कार्यक्रम में संभावित हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए पूरे होटल को सैनिटाइज करना और कानून के अनुसार व्यवस्थित करना ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। ये समय पर नहीं हो पाई और कुछ कानून की पालना करने में होटल और हम असमर्थ रहे, इसलिए यह कार्यक्रम 2 दिन के लिए स्थगित करने का कार्यक्रम हुआ है। इसी कड़ी में हम पल्लवी होटल के जनरल मैनेजर जो पिछले 23 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं, आइए इनसे बात करते हैं। रेमुला जी आपका स्वागत है। ये संभावित कल 30 तारीख का निर्धारित कार्यक्रम अब हम 2 दिनों के लिए टालने को जो मजबूर हुए हैं उनके कारण आप बताएं। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना है वो अपनी प्रॉपर है नहीं, तो इसलिए ये टालना पड़ता है। प्रॉपर स्टाफ लॉकडाउन के चलते व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। 6 to 6 अवर्स मिलते हैं और भी डिस्टेंस के तहत और शर्तों के तहत। कंप्लीट स्टाफ ना होने से सैनिटाइज का काम समय पर न हो पाया और व्यवस्थाओं में कुछ कमी होने से यह कार्यक्रम 2 दिन के लिए स्थगित किया जाता है। सभी सम्मानित सोशल मीडिया साथियों, चीफ गेस्ट, वीआईपीज, सभी कोरोना योद्धाओं से प्रार्थना है इस कार्यक्रम की यथावत घोषणा 2 दिन के बाद फिर से इसी होटल में आकर कर दी जाएगी। 2 दिन के लिए कार्य स्थगित करते हैं, लेकिन कोरोना योद्धा सम्मान पाने वाले अपने नाम भेजते रहें, उनका सोशल मीडिया के माध्यम से हम उनकी लिस्ट लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जिस दिन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सभी सम्मानित कोरोना योद्धाओं को यहां बुलाकर बहुत अच्छे भव्य ढंग से ऐतिहासिक सम्मान होगा। नमस्ते, धन्यवाद। 30 मई 2020 हिंदी पत्रकारिता दिवस पर भव्य सम्मान समारोह सफल की जानकारी इंस्पेक्शन करते हुए टीम समाचार करी होटल जीएम रेमुला जी के साथ। यहाँ की परिस्थितियां आज कुछ विभिन्न है। लॉकडाउन ने पूरे विश्व में ही नहीं पल्लवी होटल को भी प्रभावित किया है। पिछले 2 महीने से यह कोई स्टाफ कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस उम्मीद से कि यहां पर भव्य कार्यक्रम होगा, लेकिन सपनों को मिट्टी में मिला दिया। अभी होटल मैनेजमेंट बेचारा लाचार और असमर्थ है। स्टाफ की कमी से होटल अभी तक सैनिटाइज नहीं हो चुका है, कोई व्यवस्था कर नहीं पाए हैं, इसलिए सरकारी सिस्टम लॉकडाउन 31 तारीख कल तक लोगों का ना होना इन्हीं कुछ मजबूरियों के तहत यह कार्यक्रम 2 दिन के लिए स्थगित करके पुनः इसी कंपाउंड में फिर से यह कार्यक्रम किया जाएगा। और जी जीएम जनरल मैनेजर रेमुला जी से इस कार्यक्रम को स्थगित करने के कारण और आज की व्यवस्था की पूरी जानकारी आपको देंगे। बिल्डिंग को सैनिटाइज करना है, स्टाफ पूरा न होने के कारण 31 तक लॉकडाउन है। 31 के बाद ही स्टाफ मिलेगा। अब पूरा प्रयास
भरसक प्रयास करने के बाद इसी ओतरे में कार्यक्रम करने की परंपरा को जीवित रखने के लिए एक अथक प्रयास किया गया था, लेकिन दो दिन के लिए कार्यक्रम स्थापित हुआ है। पिछले साल भी किसी कारणों से कार्यक्रम इसी होटल में इसी कंपाउंड में दो दिन लेट कर पाए थे, एक तारीख को कर पाए थे। इस बार भी शायद ऐसा ही संभव होगा। अब इस कार्यक्रम की परंपरा पूरी घोषणा परसों 12 बजे इसी स्थान पर आकर यहां का जायजा लेकर आपको सूचित कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते लेबर का अभाव, 6 to 6 लॉकडाउन कंडीशन शर्तों के साथ पूरा होटल प्रीमिसेस सैनिटाइज करना, सेल्फ डिस्टेंस बनाए रखना, आज अब पल्ली होटल के प्रांगण में कल होने वाले कार्यक्रम की दशा और होटल मैनेजमेंट की व्यवस्था देखने के लिए आए थे। यहाँ आकर हमें पता चला कि होटल मैनेजमेंट होटल को कानून के अनुसार व्यवस्था करने में असमर्थ है। उन्होंने बताया है कि स्टाफ की कमी है, उसके चलते हम होटल को सैनिटाइज नहीं कर पाए, और जो डीसी प्रशासन द्वारा जो लिखित आदेश दिए गए हैं उनको पूरा करने में कुछ कमियां रह गई हैं। दो दिन के अंदर यह अपना सभी व्यवस्था पूरी करेंगे, इसलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस को होने वाला कार्यक्रम दो दिन के लिए स्थापित किया जाता है। अब इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी समय स्थान 31 तारीख परसों 4 बजे इसी पल्ली होटल से दोबारा हम सभी सम्मानित सोशल मीडिया साथियों को कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।